मुरादाबाद जिले में पहले चरण के मतदान के लिए अब केवल 6 दिन का समय बचा है। इस चुनावी संग्राम को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्धि विहार में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ पार्टी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर सर्किट हाउस में उतरा, इसके बाद वह मंच पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पीतल नगरी की राम गंगा सिद्ध पीठ को नमन करके संबोधन शुरू किया। कहा कि मुरादाबाद के लोग परेशान रहे हैं, पंडाल में भीड़ देखकर कहता हूं कि मुरादाबाद के प्रत्याशी की जीत पक्की है। इस बार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार ना तो 73 ना 65, इस बार यूपी में पूरी 80 की 80 सीट भाजपा जीत रही है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव जो पश्चिम वाले करेंगे वही पूरा देश करेगा, इसलिए इस बार कमल का बटन दबाना है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी देश की अर्थव्यवस्था को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लेकर आए, तीसरी बार उन्हें पीएम बना दो, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। 2 बार आपने प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी ने सारे वादे पूरे किए। राहुल बाबा बार बार पूछते थे कि राम मंदिर कब बनवाओगे, तो देखो राम मंदिर भी बन गया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। इस बार राम मंदिर में रामलला का जन्मदिन मनाया जाएगा। मैं इस पीतल नगरी में राम गंगा और प्राचीन सिद्ध पीठ काली माता को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देखो मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी बना देंगे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे ये राहुल बाबा के मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सुन के 14 से 19 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाइयों और बहनों, 500 साल के बाद रामलला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में मनेगा। भाइयों, वो जातियों में उत्तर प्रदेश को फिर से बांटेंगे, उत्तर प्रदेश को जातियों में टुकड़ा टुकड़ा करने का काम करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी अकेले हैं जो देश को एक रख सके। मोदी जी ने 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, महिला, युवा, किसान और गरीब, 4 ही जातियों में पूरे देश को। देश ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे, मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया और आगे मैं बताना चाहता हूं इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना।